केरल की सत्तारूढ़ CPI ने शनिवार को कहा कि पार्टी अपने बैंक खातों और फंडों को लेकर बहुत ही पारदर्शिता बरत रही है। CPI के राज्य सचिव MV गोविंदन ने कहा कि पार्टी अपने सभी लेन देन का हिसाब चुनाव आयोग और आयकर विभाग को पहले ही दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अगर कोई भी जांच एजेंसी खातों के विवरण जमा करने का निर्देश देती है तो वो किसी भी एजेंसी के समक्ष सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। आयकर विभाग द्वारा पार्टी के त्रिशूर जिला समिति के नाम पर बैंक खाते को जब्त करने के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी के बैंक खातों में कोई बेहिसाब पैसा नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और CPI के त्रिशूर जिला सचिव MM वर्गीज को आयकर विभाग द्वारा कथित तौर पर तलब किए जाने के एक सवाल के जवाब में MV गोविंदन ने कहा कि जांच एजेंसियों को किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाने दें, पार्टी में इसको लेकर किसी भी तरह की कोई चिंता और डर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के बैंक खातों में फंड है, हालांकि वो फंड कहां से आए हैं, लेन देन का सभी दस्तावेज मौजूद हैं और पार्टी के पास कोई बेहिसाब पैसा नहीं है। CPI के राज्य सचिव ने केंद्रीय एजेंसियों पर मार्क्सवादी पार्टी की छवि खराब करने के प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बैंक खाते हैं और हमने चुनाव आयोग और आयकर विभाग के समक्ष सभी विवरण जमा कर दिए हैं।